नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सीआईए स्टाफ जालंधर ने नशा तस्करी के आरोप में महिला सहित दो लोगों को किया काबू। अमृतसर में जीआरपी पुलिस कर्मचारी ने की आत्महत्या। पारिवारिक सदस्यों ने पत्नी व ससुराल पर हत्या का लगाया आरोप। और अब हलचल विस्तार से। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ जालंधर के इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार की टीम ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक महिला और व्यक्ति को काबू किया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने पॉलोटेक्निकल लाडोवली रोड पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान दोनों पैदल आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथों में वजनदार लिफाफे थे। इस दौरान दोनों नाका देखकर घबरा गए और पीछे मुड़ने लगे, जिसके बाद उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को मौके पर काबू कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार निवासी गांव पुंडरिया बरेली, जुबेदा निवासी गांव कोटला नजदीक लंबा पिंड के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर कमिश्नरेट के इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार एंड साढ़े एसीपी डिटेक्टिव मिस्टर परमजीत सिंह, इन्हों की अगवाई के जोड़ा है सीए स्टाफ ने 2 किलो अफीम जी हैगी है, दो दोषियों गिरफ्तार करके रिकवर की है। जो ये अफीम हैगी है डिस्ट्रिक्ट जे तत् सामने आए हैं कि बरेली एरिया के जी अफीम पंजाब सप्लाई की जाती सी, एंड राजकुमार नाम का अक्यूज जो असी अरैसट किया बरेली तो बेचती सी, जो ये काफ़ी समय तो ये बेच रहा है। पहला भी इन्होंने उत्ते एक एक मुकदमा जोड़ा है दोषियों के उपर दर्ज होना पाया गया। राजकुमार के उपर जोड़ा है मुकदमा बरेली ऑलरेडी जोड़ा है यूपी के अलीगंज थाना 700 ग्राम अफीम का दर्ज है, एंड जुबेदा के उपर जी आर पी लुधियाना एक मुकदमा जोड़ा इस उपर 2022 का ही दर्ज है। अमृतसर के कोट मीत सिंह इलाके के रहने वाले जीआरपी पुलिस कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस दौरान मृतक की माता और पारिवारिक सदस्यों ने इसे कत्ल बताया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक शमशेर सिंह की माता ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसके बेटे शमशेर सिंह को पुलिस की नौकरी पर लगाया गया था ताकि वह परिवार का पालन पोषण कर सके, लेकिन नौकरी लगने के बाद विवाह करने के पश्चात बेटे शमशेर सिंह की पत्नी द्वारा घर में कलेश कर उसे पुलिस क्वार्टरों में रहने के लिए मजबूर किया गया। वहां पर भी पड़ोसियों द्वारा आए दिन उनकी बहू की शिकायतें मिलती रहती थी। उनका बेटा भी अपनी पत्नी के बारे में शिकायतें करता रहता था और गत रात्रि शमशेर सिंह की पत्नी व उसके ससुर परिवार की ओर से उसका कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि सूचना मिलने पर जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर आत्महत्या वाली कोई बात नजर नहीं आ रही थी, बल्कि कत्ल के सबूत साफ दिखाई दे रहे थे। इसलिए वे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इन आरोपियों पर बेटे के कत्ल के तहत कार्रवाई की जाए। तो वही पुलिस जांच अधिकारी मीडिया के समक्ष नहीं आए और कहा कि जांच के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चला के वेखने फिल्मा वेखने साला एक एक भैन घर विधवा हो जाए बटाले तो इथे 2 मिंटा दो मिनटा पहुंच गए कलोनी प्यो बटाले तो एडी छेती कि आ गया साडे घर। फिर कहिंदा पिया मैं पता ही नहीं की होया की होया वा, तू मेरे घर उधर नहीं गया अपनी कुड़ी दे घर। जो उधर परसों भी इन्होंने मेरे बच्चे ने धमकियां लाइया, सास आई मैंने मुंडे ने खुद दसिया, मेरे को खुद प्रूफ है रिकॉर्डिंग है मेरे को, मेरे पुत की उसे मैं रिकॉर्डिंग ला देनी जो ढिड फोलदा ही। मैं क्या पुत इदा कर दिया कि तेन मार ना दे, उ गल हुई भाजी ने मेरा पुत ही मारता, पहले सुसाइड किया वा जबकि मेरे पुत का कतल आ। तो मैं भाजी इंसाफ चाहिए, इन सजा होनी चाहिए, मेरी यह नोह नहीं आ जिन्हें मेरा भुत गा लिया, एक मेरा बंदा नहीं एक मेरा भुत गा गई। पुलिस ने परचा दर्ज किया वा,
ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਟੰਗਿਆ ਜਦ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂੰਕ ਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੋਖਲਾਹਟ ਮੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाट समाज के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर नवाजा गया है जिसके चलते कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही और पदों पर बैठे नेताओं का कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के पुतले फूंककर रोष प्रदर्शन किया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। माँ बंगलामुखी जी के सिद्ध स्थल माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान सौरभ अरोड़ा से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। मां बंगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वह साधारण को भी असाधारण योग्यता और सम्मान दिला सकती है। भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य बने ये भी माता पिता का आशीर्वाद से ही संभव हुआ। नवजीत भारद्वाज ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इस दुनिया में माँ की ममता और पिता की सुरक्षा की कोई बराबरी नहीं। इस अवसर पर रोहित भाटिया राकेश प्रभाकर अजीत कुमार नवदीप बलजिंदर सिंह समीर कपूर अमरजीत सिंह बाबा जोशी नवदीप उदय गुलशन शर्मा अश्विनी शर्मा धूपवाले मुनीश शर्मा दिशांत शर्मा अमरेंद्र शर्मा मानव शर्मा बाबा खन्ना विवेक शर्मा श्यामलाल एडवोकेट राजकुमार अभिलक्ष्य चुग सुनील राजीव कपिल राजन शर्मा अनुज प्रिंस ठाकुर बलदेव सिंह गौरी केतन अवतार सैनी रिंकू सैनी राकेश महाजन धर्मवीर सिंह अनीश शर्मा दिनेश शर्मा अजय मल्होत्रा अजीत साहू प्रवीण भारत भूषण दीपक अनीश शर्मा साहिल सुनील जग्गी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बंगलामुखी जी। आज मां बंगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है मां दे इस भव्य मंदिर दे विच आज सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया श्रृंखलाबद्ध। इस दे नाल नाल ही मैं दसना चाहना कि सानू दोबारा तो जिहड़ा कोरोना आ गया है उहदियां प्रिकॉशनां लैणियां चाहीदियां है और महामाई की कृपा दे नाल जिद्दां अगे असीं इस रोग नू दूर किया है ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਯ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਮਹੰਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ और साडा यही करवत प्रार्थना है कि जिहड़ी भी महामई का नाम लेवा संगत है वो अपना तो असी आना ही आना है अपने मित्रगण संबंधियों के नाल पहुंच के महामई का आशीर्वाद ग्रहण करना। राजेश्वरी धाम वैष्णो मंदिर बस्ती शेख जालंधर में हर माह की तरह इस माह भी पावन अष्टमी के अवसर पर माता की चौकी का आयोजन किया गया जिसमें सुखपिंदर हैप्पी एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रधान कैलाश बब्बर विजय दुआ सतीश नैयर किशनलाल चोपड़ा सुरेंद्र अरोड़ा नवीन बब्बर जोशी बब्बर श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार मास्टर हरिचंद शिव सहगल कुटिया सिद्ध बाबा बेरी वाले जी के मुख्य सेवादार बीरा भगत सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट।
मां के दरबार जिन्नी भी संगत मां के दर्शन वास्ते आई है भगवत की मां सब के खजाने भरपूर करे शक्ति का बल बख्शे। तो मैं अज साडे बेटा जी सतविंदर हैप्पी जी दरबार से हाजिरी लगा के आए ने और अगों भी आएंगे। साडे बाबा जी डेरी वाले वही पहुँचे ने और मेरे सारे साथी जड़े ने दरबार के माँ के चरणों में साडे शिव जी साडे हरि जी इधर इधर आओ मास्टर जी मेरे को आओ मेरे को ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਜੀ ਦੇਵਦਲਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਾਨੋ ਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 साल 65 साल तो जो दुनिया इतने पहुंच गई है एक विश्वास होता जरा सारे खिंचता और साढ़े तो हरी जी भी बाबा जी बड़े पुराने पुराने बंदे माता दरबार से पहुंचे ने इन्होंने पता माँ की महिमा की है। तो माँ की महिमा इदा की है कि जड़ा भी मैं बार बार कहना कि जड़ा दरबार से एक बार आके ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾ ਜੀ ਦਾ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहूतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रत्न सिकंदर जी, देवेश्रम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, इकबाल सिंह, बिनी वोहरा,
मोहित जैन, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः स्वाहा, वरुणस्य उत्तम भनमसि वरुणस्य स्कम भनस्तु वरुणस्य ऋतुसदनेसि वरुणस्य ऋतुमति पते वरुणाय नमः स्वाहा, आदिशे नरद शार्दमानो मे शतमति चरणेन सवितो गतेन देवो याति भुनान् पश्यन्नः प्रियाय नमः स्वाहा। गते देख लो दिन रविवार 11 बजे माँ भगवती का कीर्तन असी इसे प्रांगण च कर रहे हैं। 11 बजे तो लैके 1 बजे तक सारे संगत ने पहुँचना है और असी कोई पार्टी नहीं बुलाई कि कुछ नहीं किया, असी आप ही जो भी साडे संगत आप ही गा सकते हैं। वो महाराणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नवें साल की आगमन के उत्ते सारे ने कोशिश करनी है कि उस दिन अपनी ड्रैस के विच ही आना, उदा नहीं आना। यह ना हो तुसी सोचो भी कत्ते दीगा तो जो उदा ही चल पे, ड्रैस के विच ही आना और कोशिश करना कि 10:30 बजे पहुँच जाना, कि 11 बजे पूरे शुरू कर देना और 1 बजे तक असी जरा सत्संग कीर्तन जोड़ा है वो समाप्त कर देना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना और उस दिन एक चीज़ का होर ध्यान रखना कि हवन नहीं करना। असी मैं कई कह पुछ रहे भी गुरु जी उस दिन हवन भी करना, असी उस दिन हवन नहीं करना। असी जड़ा उस तो पहला साडा हवन होना वीरवार को, हजे 27-28 तरीक पाएगी, उस तो बाद फिर अगले वीरवार जोड़ा होएगा साड़ा हवन। असी 2024 अलविदा कह, 2023 अलविदा कहना और 24 असी आगमन करना। अगे पहला कभी नहीं किया लेकिन असी हूँ पहली बार करना। नवनीत कौर जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय नवनीत कौर की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर ADC SPS मराड़, DFO सुरजीत सिंह, सरबजीत सिंह मक्कड़, सुरेंद्र सिंह सोडी, SP दर्शन कुमार शर्मा, लाली अंगुराल, दिनेश ढल, पुनीत, पप्पू खोसला, प्रिंस मक्कड़, पवन तलवाड़, जतेंद्र मल्होत्रा, प्रवीण गुप्ता, प्रोफेसर विपन झांझी, कुकी बहल, मनमोहन सिंह, विजय खुल्लर, अशोक वर्मा, लाडी वर्मा, अशोक मल्होत्रा, SP संदीप सिंह मंड, कमल सूच, तरुण सिक्का और पारिवारिक सदस्यों में पति सरबजीत सिंह, अवतार सिंह, विजय रानी, इकबालजीत सिंह भाटिया, गुरचरण कौर भाटिया, सुखदेव सिंह, रचना, रमनजीत सिंह भाटिया, पुनीत कौर भाटिया, रीतिका सहित धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय नवनीत कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
जगदीश चंद्र जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी निमित्त श्रद्धांजलि सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय जगदीश चंद्र की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक शीतल अंगुरवाल, विधायक बाबा हैनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, कुलभूषण धवन, हैप्पी स्टीलमैन शानू, राजकुमार मदान, राकेश शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में बेटा विकास शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, संजीव शर्मा, संदीप शर्मा, दीपक शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय जगदीश चंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने अपने पुत्र विकास शर्मा जी को और जो भी परिवार के सदस्य हैं, इन सबके अंदर ऐसा संस्कार भरा और मंडी में तो हनुमान जी के साथ इस परिवार का बड़ा एक अलग से स्नेह है। मुझे पता नहीं था, कल मुझे पता चला उनके जाने का। प्रत्येक माता पिता उसकी ये इच्छा होती है कि हमारा जो पुत्र हो, हमारी जो बनाई हुई परंपरा है, हमारे बनाए हुए जो संस्कार है, नियम है, उसका पालन करें। लेकिन इतना सुंदर स्वभाव, इतना शांत संस्कार जो उन्होंने दिया था हनुमान जी के प्रति, चाहे रात के 11 बज जाए, विकास की रात के 11 बजे, 11:30 भी बज जाए तो भी मेरे पास आ जाते हैं। संत समाज, पंडित जी महाराज, सामने बैठी मेरी मातावां भैन भाई, अज सारी असी श्री जगदीश चंद्र जी के अंतिम शोक सभा के विच कट्ठे हुए हैं। हर इंसान जो इस दुनिया के विच जन्म लैंदा है, उस इंसान को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जेड़ा इंसान, जेड़ा प्राणी इस समाज के चंगे काम करता है, उस इंसान के जान के नाल जिते परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है, उत्थे समाज को भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। बहू जगदीश जी का सारिआं दे नाल ही बड़ा प्यार सी, और जदों भी मंडी जाना पैरी हथ लाना और उन्होंने
नेक ही सलाह देने और जिंदगी दे विच उन्हां ने बड़ी मेहनत की, मेहनत ही ईमानदारी दे नाल और इंसानियत दे तौर ते उन्होंने समाज दे विच कदम रखिया। हम सब लोग एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने श्रद्धा एक सही मायने में कर्मयोगी था। पूरा जीवन उन्होंने कर्म को अपनाया और आखिरी क्षण तक उन्होंने कर्म किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिनकी कमी को शायद कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, जिसने हमेशा दूसरों की चिंताओं को, दूसरों के तनाव को, दूसरों की परेशानियों को अपने अंदर समेट लिया और अपने बारे में कभी किसी को पता नहीं लगने दिया। हमेशा मुस्कुराते रहना, सबसे हंस के मिलना, हर एक की खुशी में शामिल होना और हर एक के कष्ट में रहना, ये उनकी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। जब किसी को उनकी जरूरत होती थी वो उसके साथ होते थे। यानी जी जन्म और बहुत इंसान के हाथ है, इंसान के हाथ है इस धरती के आगे कहो जी कर्म कर जाता है, कहो जी खुश हो गया जाता है। इस दरम्यान श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी रहे, लेकिन उन्होंने कीते हुए कमां की खुशबू आज भी विद्यमान है। धर्मपरायण सिंह, उन्होंने अपने जीवन च प्यार ही पाया, प्यार ही बनिया, अज की हाजिरी इसे गल का सबूत है। जेड़ा भी उन्होंने संपर्क च आया उन्होंने होके रह गया। लाख चाहा मगर उठ ना सका, तेरी महफिल मुझिक बाहर आ गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सीआईए स्टाफ जालंधर ने नशा तस्करी के आरोप में महिला सहित दो लोगों को किया काबू। अमृतसर में जीआरपी पुलिस कर्मचारी ने की आत्महत्या, पारिवारिक सदस्यों ने पत्नी व ससुराल पर हत्या का लगाया आरोप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।